मरियम किचन में आप सबको खुशामदीद। आज मैं बना रही हूँ ग्रीन चिकन ग्रेवी। इसके लिए 1 किलो चिकन ली, 2 मुट्ठी धनिया, 2 प्याज मोटे मोटे काटिंग पीसने के लिए, लेमन जूस डालेंगे, 1 मुट्ठी मैंने काजू ली, इसे आप स्किप कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो आप ले। ये हरी मिर्च आपके तीखा जितना तीखा पसंद है उस हिसाब से आप हरी मिर्ची ले, 1/2 चम्मच काली मिर्च, 1/2 चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर और मैंने 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 होममेड चिकन मसाला और होममेड गरम मसाला भी है। अब पहले मैं ये पीसूंगी प्याज धनिया मिर्ची, ये मसाले सब एक साथ पीस के लेती हूँ। इसे मैं पीसती हूँ और फिर बात मैंने 2 टेबल स्पून तेल डाली हूँ, चूल्हा ऑन की हूँ और अब मसाला डालेंगे इसमें। यही पानी थोड़ा लगा के इसमें डाल दूंगी, 1 टेबल स्पून भर के मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट लूंगी, जीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर और ये चिकन मसाला ये डालेंगे। मैं चिकन मसाला बनाती हूँ तो उसमें मैं लाल मिर्च लेती नहीं हूँ, फिर वो सब इसमें ले सकते हैं बगैर मिर्च का। एक टेबल स्पून भर के लेमन जूस, इसके हिसाब से नमक लेंगे, चूल्हे के आंच कम करती हूँ मैं। इसमें चिकन डालेंगे, मैंने पूरी मिक्स ली हूँ क्योंकि मुझे बोनलेस अच्छे नहीं लगते, मुझे ऐसे अच्छे लगते हड्डी पिंडी। इसको अब दम में पकने देंगे, मसाला भी पक जाएगा और साथ में चिकन भी हमारा पकेगा। बीच बीच में मैं हिलाते रहूँगी, इसे अब ढक के रख देती हूँ। देखो चिकन अब तेल छोड़ने लगा है, इसमें काजू है इसलिए इसको बार बार मैं हिला रही हूँ ताकि ये गले तले को लगे नहीं। इसमें मैं अब दही भी डालूंगी,
हमारा ग्रीन चिकन बन के तैयार है। अब मैं चूल्हा बंद करती हूँ, इसको आप डिश आउट करके दिखाऊंगी। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है, टेस्टी। देखिए हमारी ग्रीन चिकन चिल्ली ग्रेवी तैयार है। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी और एक रेसिपी के साथ। अस्सलामुअलैकुम।